नमस्कार, स्वागत है दोस्तों हमारे इस वीडियो में। आज हम आ चुके हैं आचार्य नारायण देव कृषि महाविद्यालय कुमारगंज अयोध्या। यहाँ पर दोस्तों हर प्रकार की वैज्ञानिक विधि से खेती की जाती है और काफ़ी अच्छे फसल का उत्पादन होता है और नए नए बीज एवं पेड़ पौधे तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर उद्यान भी बने हुए हैं जहाँ पर काफ़ी हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं और काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। चलिए आपको इसे रूबरू करवाते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर ये महाविद्यालय है जिसमें बच्चे पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे वैज्ञानिक यहाँ पर रहते हैं जो सभी फसलों को जांच करा के उसके बाद में बुआई करते हैं। यहाँ पर हर फसल की बुआई दोस्तों लाइन में की जाती है और यहाँ पर सिंचाई की सुविधा भी स्प्रिंकलर विधि से भी की गई है जो फुहार के रूप में सिंचाई करती है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों ये आंवले का बगीचा है जिसमें फल तोड़ लिया गया है और पत्ती भी अपने आप गिर चुकी है और उसके बाद में अब नई पत्ती आ रही है, इसकी टहनी में नई पत्ती आ रही है। और कितना बड़ा बगीचा है आप देख सकते हैं, ये काफ़ी दूरी बना के उसके बाद में इसकी रोपाई की गई है और ये काफ़ी बड़े बड़े पौधे। यहाँ पर दोस्तों बागवानी से संबंधित सभी प्रकार की फसलों की खेती की जाती है, सभी प्रकार के पेड़ पौधों की खेती की जाती है। आप देख रहे हैं कि बेर की ये पौधा है जिसमें काफ़ी अच्छे बेर लगे हुए हैं और काफ़ी बड़े बड़े बेर लगे हुए हैं। ये पूरी बेर की बागवानी है जो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है, काफ़ी बड़े बड़े बेर हैं इसमें दोस्तों। इसमें काफ़ी अच्छे काफ़ी घना जंगल है ये और इसमें कटीले तार किनारे किनारे से लगाए गए हैं जिससे बाहरी पशु हमारा पशु से नुकसान ना हो और इसकी तोड़ाई करके मार्केट में भिजवाया जाता है और नई नई प्रजाति की बुआई की जाती है। तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पर दोस्तों। तो दोस्तों ये अमरूद की बागवानी है जो काफ़ी दूरी में लगाई गई है, कई हेक्टेयर भूमि पर ये लगाई गई है और काफ़ी दूरी में होने के कारण यहाँ पर दोस्तों पौधे अभी छोटे छोटे हैं और यह धीरे धीरे अपना विकास वृद्धि करता है और इसमें फल भी आ गए हैं। काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है यहाँ पर दोस्तों, इसमें फल आ गए हैं काफ़ी बड़े बड़े। वैज्ञानिक विधि से खेती की गई है, काफ़ी नई नई वैरायटी यहाँ पर लगाई जाती है, नई नई प्रजाति के पौधे लगाए जाते हैं आप देख रहे हैं। चलिए हम आपको खेती से संबंधित वीडियो आपको दिखाते हैं। सभी फसलों की बुआई यहाँ पर की जाती है जिससे चने की खेती, गेहूँ की खेती, सरसों की खेती, बरसीम की खेती, अलसी की खेती, तमाम प्रकार की पौधों की खेती की जाती है। यहाँ पर दोस्तों मटर की खेती भी की जाती है कि आप देख रहे हैं ये स्कूल का प्रांगण है। और चलिए आपको हम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी प्रकार की फसलों की खेती की गई है। यहाँ पर गेहूँ की बुआई की गई है, लाइन से लाइन में बुआई की गई है और यहाँ पर जितनी भी वैरायटी प्रजाति की गेहूँ की बुआई की जाती है वहाँ पर नाम लिख कर उस प्रजाति का और कब लगाया गया है, कितना दिन का है, यहाँ पर सब दोस्तों यहाँ पर लगा दिया जाता है और उससे ज्ञात होता है। उससे किसान जो भी बाहर से किसान आते हैं वो देख कर जान जाते हैं, पहचान जाते हैं कि मतलब इस प्रकार की प्रजाति की बुआई यहाँ पर की गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर किसान मेला भी लगता है, यहाँ पर किसानों को रहने के का हॉस्टल बना हुआ है। यहाँ पर बड़े बड़े किसान आते हैं और यहाँ पर रहते हैं जो काफ़ी वैज्ञानिक आधुनिकरण मशीन देखते हैं, तो सभी प्रकार की मशीनें यहाँ पर आती हैं और उसे देखते हैं कि इसे संबंधित और तमाम प्रकार के फलों एवं बीजों को यहाँ पर दिखाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों खेती काफ़ी दूरी में की जाती है तो आप देख रहे हैं ये सब पूरा इतना लंबा मैदान दिखा रहा है, यहाँ पर खेती होती है और यहाँ पर दोस्तों हेलीपैड बना हुआ है जहाँ पर यहाँ पर कृषि मंत्री एवं बड़े बड़े मंत्री आकर यहाँ पर कृषि से संबंधित अपनी बात रखते हैं और यहाँ पर बताते हैं खेती करने के बारे में। और आप सभी देख रहे हैं कि कितना अच्छा कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चारों तरफ से बाउंड्री बंधित किया गया है जो कहीं से आवारा पशु ना आ पाए और किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुंचा पाए। तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर दोस्तों हर प्रकार की फसलों की बुआई की जाती है। यहाँ पर बीच में तालाब का भी निर्माण किया गया है, यहाँ पर दोस्तों पशुपालन भी होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बरसीम की बुआई की गई है और ये सब पूरा पशुपालन का स्थान। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार के पौधों का भी खेती किया गया है जो काफ़ी कटीला है और इसको चारों तरफ से कटीले तार से बांध कर रखा गया है। आप देख रहे हैं ये सब किस प्रकार के पौधे हैं जिसे हम गांव में हरिजोर बोलते हैं और इस प्रकार के पौधे यहाँ पर हैं। और यहाँ पर चने की खेती आप देख रहे हैं, पीछे मसूर की खेती, आज सब प्रकार की खेती भी की गई है। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।
फिर आपको उसके बारे में रूबरू करवाते हैं।